हम चर्चा कर रहे हैं कि 24 का चुनाव सामने है और उससे ठीक पहले जो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं वो किस दिशा में कर रही हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या लड़ाई केवल दो पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी आज की डेट में कहां खड़ी है, छोटे दलों की कितनी भूमिका रहेगी, इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। हरीश जी, बीजेपी के ऊपर सारे प्रवक्ता कई तमाम तरह की बातें कर रहे थे, अभी अखिलेश यादव को भी आप सुन रहे होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप कह रहे हैं 80 में से 80 सीट जीतेंगे, वो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें हराएंगे आपको। देखिए, कहना तो कोई कुछ, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं तो जनता तय करेगी कि कितनी सीटें उनके खाते में आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आशुतोष जी जो सवाल जो बात कह रहे थे जी, आशुतोष जी को शायद जानकारी है कि नहीं है कि 2017 में कांग्रेस साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब वो किसके साथ करेंगे? राजद के साथ उनके पहले ही खटास रही, उनके पिताश्री ये कहते थे कि राजद की वजह से हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो और मुझे याद है कि बीच में राजद के साथ भी इनके गठबंधन की चर्चाएं अखिलेश जी के भी समय में चली थी, लेकिन वो नहीं परवान चढ़ पाई थी जी। तो ये बहुत सारे इशूज इन लोगों ने बहुत पहले भी एक्सरसाइजेज की हैं, लेकिन वो कहीं कोई चीज कोई स्वस्थ ढंग से चल नहीं सकती। कंफ्यूज है क्या आशुतोष वर्मा जी, कंफ्यूज है क्या आप लोग? जो बात मैं कह रहा था वो बात इसीलिए कह रहा था कि केवल एक जो क्षणिक चुनाव के लिए कि हम चुनाव जीत जाए, सीटों पे ये विपक्षी दल का गठबंधन हो जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, भाजपा को हरा देंगे, ये मंसूबे पाल लेना तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल 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 ठीक है, हरीश जी सुन लेते हैं, आशुतोष जी को भी सुन लेते हैं, जो सवाल आपने उठाए जवाब तो ले लें, बोलिए आशुतोष जी। हाँ देखिए, कंफ्यूजन कहाँ है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता एक लाइन में बोलते जाते हैं। आपने पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करी माननीय ब्रजेश पाठक जी से और कह रहे हैं अखिलेश जी राजनीतिक पर्यटन पे गए हैं। अरे पूरी दुनिया जानती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद पहले आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस पार्टी से आप मल्लावा में चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आपको निकाल दिया जाता है, फिर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं। हम तो कहते हैं रास्ते अभी आगे, तो राजनीतिक पर्यटन कौन कर रहा है ये तो दुनिया जानती है, ये हमको किसको बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने क्या क्या गठबंधन किए और क्या क्या, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं जिसको गठबंधन करना है पहले आपके साथ कोई जुड़ने को तो तैयार हो, पूरे देश में कोई आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ एनडीए में कोई आना नहीं चाह रहा, आप ये कह रहे हैं? कोई नहीं आना चाह रहा, आप बताइए। हाँ। आप बताइए एनडीए के जब से शुरुआत हुई है तब से आप देख लीजिए कहां पे एनडीए का है, इनके साथ सैकड़ों कई दशकों तक राजनीति कर रहे हैं। आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की चिंता करना छोड़ दीजिए, अपना घर देखिए पहले। ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। नहीं नहीं, शिरोमणि अकाली दल जिनके साथ एनडीए का गठन हुआ था वो किनारे चली गई, जेडीयू जिसके साथ वो थे वो अकेले चली गई। आप जिस पार्टी की बात करते हैं, अभी डीएमके की बात की, जलिता की बात की, हर जगह आपको लोग छोड़ के चले गए हैं क्योंकि आपकी पार्टी अब किसी पार्टी की विचारधारा नहीं रह गई है, जो व्यक्ति के इशारों पे घूमने वाली एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसमें यस सर बोलने पे तो काम चलता है, नो सर बोलने पे काम नहीं चलता है। पार्टी के लिए लोग कहते हैं नहीं कहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की आपकी पूरी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो अपने अपने आकाओं के सामने खड़े होकर जवाब कर दे। हम लोग तो खुल के बात करते हैं, जो लोकतंत्र देखना है आपको समाजवादी पार्टी में आके देखिए, किसी की हिम्मत है, किसी की हिम्मत है कि दिल्ली दरबार में जाके आवाज उठा के दिखा दे? कई लोगों ने कोशिश करी, कई लोग मुख्यमंत्री थे, अब आज पूछने वाला नहीं है कोई उनको काम पर, ठीक कई लोग मुख्यमंत्री बने। हरीश जी जवाब दे लीजिए जल्दी से, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए, काउंटर कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चिंता छोड़ के अपने दामन में जाके एक चचा के साथ गठबंधन में मेच्योर होते होते तो चचा साथ में है, जब अस्तित्व की लड़ाई दीदी भी साथ में है, खड़ी हो गई, तो इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी वो पूरे देश दुनिया में गठबंधन करती रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हम जो जनता के बीच जाते हैं वो जनता के समर्थन के आधार पर जाते हैं, जनता के साथ जो
भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कार्यक्रम नेतृत्व और लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन के आधार पे जाते हैं। ठीक है, और विकास श्रीवास्तव जी अब जनता जनार्दन का विश्वास जीतते हैं। ठीक है, पूरी हवाबाजी की बातों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का मंसूबा नहीं पाता। हाँ, हवाबाजी की बातें विपक्ष करता है क्या विकास श्रीवास्तव जी? विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी का ये हाल होगा ऐसा कभी सोचा नहीं था किसी ने। आ रहा हूँ आशुतोष जी, मौका देता हूँ पूरा। देखिए, आपका आकलन क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें 1998 के बाद 22 दलों वाला जो एनडीए था, 29 दलों वाला, उस 22 सालों में 29 दलों में से लगातार आज गिरते चले जा रहे हैं। कभी 17 हुए, 12 हुए, 13 हुए, 29 हुए 2014 में, और आज 21 के साथ चुनाव लड़ा। विकास जी यही तो बोल रहे हैं, से ही रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, बीजेपी की चिंता इतना कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों का चिंतन करिए, उसमें मंथन करिए। हरी जी यही तो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की चिंता क्यों कर रहे हैं। चिंता मैं बता रहा हूँ, देखिए अपनी चिंता ना देखिए, देश हमारी राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको चिंता बंद कमरे में किया जाता है। अगर डिबेट पे बैठे हैं तो बंद कमरे में चिंता किया जाता है और डिबेट पे बताया जाता है कि देश के सामने सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि छोटे से छोटा दल हो, जो 2-3 सीटें लाया हो, उसने भी एनडीए से नाता तोड़ लिया है। एमडीएमके, पीएमके, टीडीपी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये तो मेन दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, इन्होंने 2019 से ही लगातार अति पिछड़ों का हक मारने का काम किया। टीडीपी ने इनसे विशेष राज्य का दर्जा मांगने की मांग की थी, वादा खिलाफी किया इन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ, छदम छल किया, धोखा किया। देश की तमाम सारे राजनीतिक दलों ने जनता के मुद्दे पर इनसे गठबंधन किया और इन्होंने वोट लेने के बाद ठगने का काम किया। महंगाई और बेरोजगारी, ये दो बहुत बड़ा विषय था जिससे उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में जनमानस पूरी तरह त्राही त्राही कर रहा है। सीमाओं का विवाद हो, महंगाई और बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर झूठ बोला। अरे जी महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब, और आज इसी का परिणाम है। हाँ ठीक है, कि 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने इनसे किनारा कस लिया जो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। जवाब दीजिए हरी जी, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर विपक्ष आगे जाएगा? विकास जी, हाँ विकास जी को मालूम होगा कि अभी 3 राज्यों को, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसका चुनाव परिणाम भी सामने आया, त्रिपुरा का, नागालैंड का, मेघालय का। जनता जनार्दन ने किसको, हरीश जी, 2019 के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत 5 राज्यों के चुनाव में, जिसमें से 3 राज्यों में भाजपा हार गई, 2 जगह चुनाव नहीं जी, हार और जीत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में आपकी जीत ये नहीं तय करती है कि आपसे भारतवर्ष का 160 करोड़ का जो आबादी है वो आपसे खुश है। गौरव रघुवंशी जी, चुनाव परिणाम आया है, हाँ तो जितनी बातें आपकी हैं, जितने आरोप जनता ने उसको, कुछ स्थानीय मुद्दे पर भाजपा ने मिलजुल कर चुनाव लड़ लिया। पीएस संगमा की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, उसने आपको कंडेम किया, उसने आपको हरा दिया, वहां पर आप उसके साथ अब गठबंधन करने की रणनीति कर रहे हैं।